अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज बनाएंगे चना मसाला, एकदम झटपट वाला और एकदम सिंपल और टेस्टी। तो ये मैंने चना बॉईल करके रखी हूँ। तो ये तेल गरम हो रहा है, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा। ये डाली मैंने जीरा और एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है। ये हमजा के दोस्त आए हैं, जयान भाई, तो मस्ती कर रहे हैं लोग। और ये एक चम्मच सौंफ सुखा धनिया का पेस्ट, सौंफ सुखा धनिया पिसा हुआ। ये एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, और ये मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। और ये चना जो मैंने बॉईल करी थी ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। चना बॉईल करने से पहले 4-5 घंटा भिगा के रखी थी मैंने। अभी मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मम्मी बना रहे चना मसाला। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी होता है, मेरे को तो बहुत ही पसंद है दोस्तों। दोस्तों अगर ये मेरे को मम्मी पूरा टोप दे देना, मैं एक भी चना नहीं बचाने वाला। ये एक चम्मच इमली का पल्प है, इमली भी मैंने भिगा के रखी थी 5 मिनट के लिए। हो गया चना मसाला रेडी। आइए दोस्तों खा लीजिए चना मसाला। तो दोस्तों अभी मैं आपको खा के बताता हूँ, आज मेरे भाई भी है मेरे साथ, ऐसे दिखाते। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।